हमारे देश में हर त्योहार के लिए कोई ना कोई मिठाई तो मिल ही जाती है। बात होली की हो रही हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ ऐसी परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ गुजिया बनाने की, जिससे ना वो तेल में फूलेंगी, ना फटेंगी, ना ऑयल पिएंगी। लंबे समय तक इन्हें हम कैसे स्टोर करें और इनके अंदर की फीलिंग को एकदम प्रॉपर तरीके से सबसे ज़्यादा टेस्टी हम कैसे बनाएं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ बोल में मैंने पहले से ही एक कप जितना मैदा लिया है और ये अब मैं दूसरा डालने जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से कप भरा था लेवल करके। एक कप में 125 ग्राम जितना मैदा आता है, तो हमने दो कप जितना मैदा यानी कि 250 ग्राम्स मैदा लिया है। अब हम इसमें ज़रूरी चीज़ मिलाने जा रहे हैं, वो है मोयन। इसके लिए आप तेल या घी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी लिया है, ये घर का बना शुद्ध देसी घी है, ये हम इसमें मिलाएंगे। और अगर मैं रेशो की बात कर दूँ तो जितना आप मैदा ले रहे हो ना, उसका चौथा हिस्सा आपको यहाँ पर घी या तेल का इस्तेमाल करना है। तो ना ये मेल्टेड है, ना ही ये ज़्यादा जमा हुआ है, लेकिन सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। तो ये मैंने डाल दिया, ये 1/4 कप मेजर करके डाला है मैंने, या फिर आप ग्राम्स की बात करेंगे तो ये 50 ग्राम के आसपास है। तो हम इसे अच्छे तरीके से मैदा में पहले मिलाएंगे, ये ज़रूरी स्टेप है। हाँ, इसमें कंजूसी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा पानी डाल के हम बस आटा लगा लेंगे, लेकिन नहीं, इसे अच्छे तरीके से पहले मिला लीजिए। मिलाते मिलाते आप देखेंगे कि इसका एक ये बंधने लग जाएगा आपके हाथों में, मतलब जो मोयन आपने इस्तेमाल किया है काफ़ी सही इस्तेमाल किया है। ओके, तो अब मैं उसी कप से मैंने पानी लिया है, मैंने आपके बता दूंगी आपको, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे, ना ज़्यादा कड़ा ना ज़्यादा सॉफ्ट। देखिए दो कंडीशन है, अगर आप डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा दोगे तो ऐसे में चाहे आप बहुत कम तेल का टेम्परेचर रखो, लेकिन फिर भी गुजिया के ऊपर बहुत छोटे 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 काफ़ी बबल्स आ जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि डो ज़्यादा गीला था, ये एक वजह है उसकी भी। या फिर अगर आप डो बहुत ज़्यादा कड़ा लगाएंगे होगा क्या, गुजिया जब हम सील करते ना वो बार बार खुल जाएगी। तो डो में एक मीडियम तरीके की सॉफ्टनेस होना ये भी ज़रूरी पॉइंट है। डो लग चुका है, मैं इसे साइड में रखती हूँ रेस्ट के लिए। चलिए फिलिंग बना लेते हैं। वैसे देखा जाए तो गुजिया की फिलिंग कई तरीके से बनती है, जो सिर्फ सूजी से बनती है, सूजी मावा से भी बनती है, कुछ सिर्फ नारियल से बनती है, और आज जो मैं आपको बना रही हूँ ना, ज़्यादातर घरों में सूजी मावा मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऐसी फिलिंग बनती है। तो थोड़ा सा घी डालकर जस्ट थोड़ा गर्म कर लिया है मैंने, और इसमें हम डाल देंगे मावा। ये आधा कप जितना मावा है, 100 ग्राम्स जितना, और ये पीला इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये गाय के दूध से बनाया हुआ मैंने लिया है, ये मैंने घर पर ही बना लिया था। आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, भैंस के दूध का लीजिए या फिर तो गाय के दूध का, कोई भी चलेगा। हम इसे हल्का सा भून लेंगे, बिल्कुल एक स्लाइटली इसका कलर चेंज हो जाए तब तक। मैं इसे निकाल लेती हूँ एक डिश में, और अब फिर से इसी पैन के अंदर हम 2 चम्मच जितना घी लेंगे, 2 टेबलस्पून जितना, और इसमें हमें आधा कप जितनी सूजी, बारीक ले या मोटी ले कोई भी चलेगी, इसे रोस्ट करना है इसका भी हल्का कलर चेंज हो जाने तक। सूजी भूनते वक्त बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे गीला नहीं बनाना। उसका टेक्स्चर कैसा रहना चाहिए ये मैं आपको आगे दिखाने ही वाली हूँ, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जितना आप मावा लेंगे ना, उतनी ही आप सूजी लो, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर आप मावा यूज़ नहीं करना चाहते ना इस मेथड में, आप सिर्फ सूजी से भी बना सकते हो, या फिर अगर आप सिर्फ मावे के बनाएंगे होगा क्या, वो तो अच्छे ही लगेंगे, लेकिन गुजिया है ना, सिर्फ मावे से बनाने की वजह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, या फिर ज़्यादा दिन वो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आप दोनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे तो वो एटलीस्ट 4-5 दिन तक आप आराम से इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। चलिए सूजी भी भून चुकी है, इसे हम सेम डिश में निकाल रहे हैं। शायद आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि हमने मावा और सूजी और बाकी चीज़ों को साथ ही क्यों नहीं भून लिया, क्योंकि हर चीज़ का भूनने का अपना अलग अलग टाइम है। अगर हम मावा और सूजी को साथ में डाल देते, मावा ज़्यादा वो कहते ना बिल्कुल ही दानेदार हो जाता, ज़्यादा कड़ा कड़ा हो जाता, तो वैसा ना हो, इसलिए हमने सूजी को अलग, मावे को अलग, बाकी चीज़ों को भी हम अलग अलग भूनेंगे। जैसे अभी पैन में फिर से मैंने थोड़ा घी डालकर ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। जो बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने 2-2 चम्मच सिर्फ पिस्ता को एक और किशमिश को 1-1 चम्मच लिया है। बस हम इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। चलिए अब मैं इसमें ना सिर्फ नारियल को भूनने वाली हूँ। नारियल आधा कप है। रेशो मैंने बहुत सिंपल रखा है, मतलब कौन सी चीज़ कम लेनी है, कौन सी ज़्यादा लेनी है, ये कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। इसलिए बस मावा आधा कप, सूजी आधा कप और नारियल आधा कप। रही बात ड्राई फ्रूट्स की, ये तो आप अपने मन से कम ज़्यादा कर ही सकते हो। चलिए ये भी भून गया है, हम इसे सेम डिश में निकालेंगे।
अब जो बेस है वो तैयार है, लेकिन इसमें भी मिठास होनी चाहिए। शुगर अभी हम मिला देंगे, इतने गर्म है तो वो मेल्ट हो जाएगी, ये मिक्सचर गीला हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और तब तक है ना हम इसको ऐसे ही मिलाते रहेंगे, क्योंकि कई बार मावे के दाने रह जाते हैं जिन्हें इनके अंदर मिक्स करना ज़रूरी है। और ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक बारीक ही आपने रखना है, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी ड्राई फ्रूट्स का अगर बड़ा टुकड़ा रह जाए वहीं से गुजिया फट सकती है। एक चौथाई चम्मच जितनी इलायची पाउडर डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अभी ये बिल्कुल मतलब हल्का सा ही गर्म है तब हम डाल रहे हैं, और चीनी को नॉर्मल मिक्सी जार में लेके मैंने पीस लिया था। और चीनी की क्वांटिटी आपके मन पे ऊपर डिपेंड करती है, कितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से डालें। मैं 6 टेबलस्पून जितनी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, गुजिया का मिक्सचर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जब हम ये गुजिया की फिलिंग बना रहे होते ना, इतनी बढ़िया स्मेल आ जाती, पूरे घर में फैल जाती है। तभी तो ये आयुध बेडरूम में से उठ के आ गया और यहाँ देखिए ना कैसे खा रहा है चुप चुप के। चलिए फीलिंग तो तैयार है और बहुत टेस्टी बनी है। गुजिया तो हर कोई बनाता है, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट है उसकी फीलिंग। ये ज़्यादा फ्लेवरफुल और एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तब आपकी गुजिया परफेक्ट बनती है, जो सॉफ्ट नहीं होती, जो लंबे समय तक क्रिस्प रहती है ना। तो चलिए अब यहाँ पे डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें बस डो को और एक बार मसल कर सॉफ्ट कर लेना है। और अब हम जितने साइज़ की आपको गुजिया बनानी है उस हिसाब से आप इसकी लोई तोड़ें, जिसको सूखे मैदे में हम डस्ट करके रोल करेंगे। और मेरे पास ना ये साँचा है, ये बहुत पुराना है, लगभग 8-10 साल पुराना, सिर्फ 5 रुपये में लिया था, आज तक चलते आ रहा है। तो बस ये साँचे को, या फिर प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कोई भी हो, उसको ना आपने सूखे मैदे से डस्ट ज़रूर करना है, तभी गुजिया इसमें से ईजिली बाहर आ पाती है। जो रोटी हमने बेली थी इसके ऊपर डालेंगे, पहले हम जगह कर लेंगे फिलिंग के लिए, और जितनी आपको फिलिंग डालना पसंद है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, एकदम भरी भरी गुजिया पसंद है, जैसे भी। और अब ये जो बॉर्डर है ना, इसके ऊपर आपको पानी ज़रूर लगाना है, ताकि जब हम इसे फ्लिप करेंगे ना ये आराम से चिपक जाए, और जब हम इसे तलेंगे ना तो ये छूट ना पाए तेल में। तो चलिए जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैंने निकाल लिया, और ये देखिए ज़रा सा झटकते ही एक बड़ी शानदार सी गुजिया आपके हाथ में, देखिए कितनी प्यारी बनी है। और ऐसी ही कुछ 5 मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, बस अब हमें इन्हें तलना है। मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगी तलने के लिए भी। पहली तो ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुजिया ना एकदम प्लेन अच्छी लगती है, जिनके ऊपर ज़्यादा बबल्स अच्छे नहीं लगते, और कुछ को बबल्स अच्छे लगते भी हैं। हाँ जी, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से गुजिया को तलना ना, तो मीडियम हॉट चाहिए तेल, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना बहुत ज़्यादा बबल आ जाएंगे इसके ऊपर। तो ये गुजिया मैंने डाल दी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमने इन्हें गोल्डन कलर पर फ्राई कर लिया है। थोड़े पेशेंस का काम है, धीमी आंच पर फ्राई करना है आपने, लगभग आपको 12-15 मिनट तो लग ही जाएंगे और ये गुजिया इस तरीके से फ्राई होकर आपके पास होंगी। और अगर दूसरी कंडीशन देखें, मतलब अगर तेल ज़रा सा भी थोड़ा भी गर्म रहा ना, तो गुजिया के ऊपर से ना थोड़े बबल आ जाते, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपको फ़र्क दिखा रही हूँ कि अगर तेल थोड़ा सा ही गर्म रहे तो गुजिया कुछ ऐसी बनेंगी, हल्का अगर ज़्यादा गर्म रहे तो थोड़े बबल आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने तो गुजिया बना ली है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर गुजिया बनाते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके कुछ सवाल हो गुजिया बनाने के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।